अजनी क्षेत्र में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। दो दिन पूर्व ही गैंगरेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि फिर से अजनी थाना अंतर्गत सौतेले पिता ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। इस घटना से परिसर में खलबली मची है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरियादी महिला किसी काम के लिए बाहर गई थी। उस समय उसकी 8 साल की नाबालिग बच्ची घर में ही थी। तभी आरोपी सौतेले पिता महेंद्र शेलकी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अजनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भांडवी की धारा 376, 376 दो आई एन सह धारा 46 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिरियादी है सौ माही विजेंद्र महाजन, अम्बेनगर पार्टी में रहते हैं। उन्होंने कल पुलिस स्टेशन में आके एक तकरार लिखाई है। उनके रिलेटिव रिलेशन में एक लड़की है, 8 साल की पीड़ित महिला है, जिसके पिताजी है राजकुमार वाघ और माँ है स्नेहल वाघ। इनका 2-3 साल से पढ़ता नहीं है, तो ये अलग अलग रहते हैं। और पीड़िता की जो माँ है वो आरोपी महेंद्र शेड़के इनके साथ में 2-3 साल से रह रही है। और पीड़िता ये है माँ और उसके जो सौतेले पिता है माँ आरोपी महेंद्र शेड़के इनके साथ में रहती है। पीड़िता लड़की कुछ दिनों पहले फिरियादी के घर में गई थी। तब उसने फिरियादी को बताया था कि जब उसकी माँ बाहर काम पर चली जाती है उस समय इसका जो सौतर पिता है महेंद्र शेड़के ये उस लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें करता है। तो फिरियादी ने उसे पूछताछ किया और उसके हमने कल पुलिस में आके हमें इंफॉर्मेशन दिया। इसलिए हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो स्टाफ है उनको हमने बुलाया। उन्होंने उस लड़की से पूछताछ किया। उसके बाद में हमारे महिला अधिकारी ने फिरियादी की रिपोर्ट ली और उसके मुताबिक हमने 376 भादवी और पोक्सो के अंतर्गत हमने गुना दर्ज किया है। तुरंत ही हमने आरोपी का शोध करके आरोपी को हमने अटक किया है और हमारा अगला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी की उम्र 35 साल है और आरोपी ये इंग्लिश सब्जियाँ है उसको लाकर यहाँ नागपुर में बेचता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।